हाय फ्रेंड्स, आई एम भाग्यश्री एंड वेलकम टू कुक विद शगुन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, वो भी बिना केक टूल्स के। यानी कि यहाँ पे कोई भी स्क्रैपर, कोई भी पैलेट नाइफ, टेन टेबल, कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, ना ही फ्लावर डिज़ाइन तैयार करने के लिए कोई भी नोज़ल का यूज़ किया है। और ये केक हमने बनाया है बिना ओवन के। तो चलिए, कैसे बनाए हैं ये केक हम देखते हैं आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करिए, ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल कुक विद शगुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये सॉफ्ट मॉइस्ट चॉकलेट केक। तो यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है और उसके अंदर डाल दीजिए आधा कप दूध और 3 बड़े चम्मच यहाँ पे डाल दीजिए तेल। और ये तेल हमने बिना फ्रेग्रेंस वाला लिया है, यानी कि कोई भी इसमें फ्लेवर नहीं होना चाहिए, बिना फ्लेवर का ही हमें तेल इस्तेमाल करना है। और आधा कप डाला है मैंने पिसी हुई चीनी और आधी बड़ी चम्मच मैंने डाला है वाइट विनेगर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तक यहाँ पे हम हमारा केकटिंग को ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से और थोड़ा सा उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे। यानी कि क्या होगा कि बेकिंग के टाइम केक नीचे चिपकेगा नहीं और इजीली अनमोल्ड हो जाएगा। तो हमारा केक टिन भी रेडी है। तो यहाँ पे एक छन्नी ली है और उसमें मैंने 3/4 कप मैदा डाला है, यानी ऑल पर्पस फ्लावर डाला है। उसके अंदर मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर है, ये कोको पाउडर मीठा नहीं है, अनस्वीटेड है। और 2 पिंच यहाँ पे नमक डाला है और 1/4 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला है। इन सबको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छान लेने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लेंगे और उसके अंदर हमने जो दूध बनाया था वो हम धीरे धीरे करके डालेंगे और कट एंड फोल्ड की मेथड से हम हमारा एक बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पे बहुत थिक बैटर नहीं तैयार करना है, थोड़ा मीडियम रनी कंसिस्टेंसी वाला हमें बैटर तैयार करना है। तो पूरा सा मिल्क डाल दिया है और एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लीजिए। और इसमें थोड़ा सा पानी भी मैं ऐड करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लगा बैटर। तो यहाँ पे मैंने 3-4 बड़े चम्मच पानी डाल के अच्छी तरह से बैटर तैयार कर लिया है। तो आप अपने कंसिस्टेंसी देख लीजिए केक बैटर की और इसी तरह से तैयार कर लीजिए। तो हमारा केक का जो बैटर है वो एकदम स्मूथ बढ़िया सा तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको केक टिन में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया था, एक कढ़ाई ली थी और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के ढक्कन ढकने के बाद उसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया था। तो ये केक टिन मैंने वही प्रीहीट कढ़ाई में रख दिया है और लिड कवर करने के बाद उसको 35 से 40 मिनट तक या 30 से 35 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। यानी जब तक आपका केक ना पके तब तक आप उसको पकाइए लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे चाकू की मदद से मैं चेक कर रही हूँ तो मेरा केक एकदम अंदर से पक चुका है, यानी कि जो चाकू था वो भी एकदम क्लीन निकला है। तो बस इसको अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए, रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, उसके बाद ही इसको अनमोल्ड करिए। तो देखिए, केक टिन में कोई भी केक नहीं चिपका है और बढ़िया सा सॉफ्ट सा केक भी रेडी हो चुका है। तो आप मैंने एक बड़ा सा ठंडा सा बाउल लिया है और उसके अंदर 1 कप और आधा कप मैंने चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ऐड कर ली है। हम इस व्हिपिंग क्रीम को बीट करेंगे जब तक इसमें स्टिप पिक ना आ जाए। तो ये करीबन 5 मिनट में तो बीट हो जाती है, तो आप यहाँ पे क्रीम को बीट कर लीजिए अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए। और इसमें मैंने बीच में डाल दिया है 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर डाल दिया है। और ये केक मेरी मीठी है तो यहाँ पे मैं पाउडर शुगर का यूज़ नहीं कर रही हूँ और इसको मैंने बीट कर लिया है 5 मिनट के लिए। और हमारा केक भी पक चुका है।
तो यहाँ पे मैंने कोई भी टर्निंग टेबल का यूज़ नहीं किया है, एक पतीला लिया है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक ट्रे रख दी है, तो ये हमारा टर्निंग टेबल हो जाएगा। और जो केक है हमारा चॉकलेट केक, उसको मैं 3 लेयर में कट कर रही हूँ, आप चाहो तो उसको 2 लेयर में भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं चाकू की मदद से इसको कट कर रही हूँ, तो अच्छी तरह से 3 लेयर मैंने कट कर ली है और आप देख सकते हैं कि केक भी अंदर से हमारा एकदम अच्छी। तो यहाँ पे जो ट्रे थी उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा ली है, यानी कि हमारे केक को वो थोड़ा सा बैलेंस करेगा। और यहाँ पे शुगर सिरप मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, जो केक को थोड़ा सा और सॉफ्ट बनाएगा। हमें चॉकलेट केक को ज़्यादा सोक करना होता है शुगर सिरप की मदद से, तो यहाँ पे अच्छी तरह से आप शुगर सिरप को अप्लाई कर दीजिए केक के ऊपर। और यहाँ पे जो हमने विप क्रीम तैयार की थी कोको पाउडर डाल के, बस वो ही हम यहाँ पे एक उसका लेयर कर लेंगे। तो अच्छी तरह से आप इसको फैला लीजिए। यहाँ पे मैं कोई भी पैलेट नाइफ का यूज़ नहीं कर रही हूँ, स्पैचुला की मदद से ही इसको अच्छी तरह से फैला रही हूँ। तो चारों ओर इसको अच्छी तरह से फैला लीजिए और उसके बाद जो सेकंड लेयर है केक का वो हम रख देंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप्स या कोई भी चॉकलेट को छोटा छोटा काट के इसके ऊपर भी डाल सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। तो सेकंड लेयर हम लगा लेंगे यहाँ पे उसके ऊपर और फिर से शुगर सिरप यहाँ पे सोक कर लेंगे केक को। तो बस हमें यहाँ पे सेम प्रोसेस ही करनी है, व्हीपिंग क्रीम अप्लाई करनी है, उसके ऊपर स्पंज रखना है और पूरी केक को हम क्रीम की मदद से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। और साइड में जो दोनों स्पंज के बीच में जो जगह है वहाँ पर भी हम अच्छी तरह से क्रीम भर लेंगे और एक अच्छा सा फिनिशिंग दे देंगे। आपके पास पैलेट नाइफ हो तो आप उसकी मदद से भी ये कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कोई भी स्क्रैपर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक फाइल का टुकड़ा लिया है। आपके पास कोई भी प्लास्टिक की शीट हो उसको भी कट करके इसी तरह से एक स्क्रैपर बना के यूज़ कर सकते हो, तो इससे भी अच्छा एक फिनिशिंग आता है केक का। तो आप देख सकते हो कि बिना स्क्रैपर के भी हम अच्छी तरह से केक को फिनिशिंग दे सकते हैं। तो बस बढ़िया सा फिनिशिंग दे दीजिए और बिना टर्न टेबल के भी हमारा केक बन जाता है। तो घर पे बिना केक टूल्स के भी आप इजी तरह से केक तैयार कर सकते हो। जो साइड में केक क्रीम लगा है उसको भी हम अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे और केक को हम 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में 100 ग्राम मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली है और उसके अंदर मैंने 5-6 बड़े चम्मच दूध डाला है। ये दूध एकदम उबला हुआ है, यानी एकदम गर्म दूध है, तो इसको चॉकलेट के ऊपर डालेंगे तो चॉकलेट हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पे 1/4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने न्यूट्रल जेल यूज़ किया है, वो यहाँ पे जो गनाश हम बना रहे हैं उसको एक शाइनिंग देगा। तो अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको एकदम ठंडा हो जाने के बाद ही हम केक के ऊपर पोर करेंगे। तो जो पूरा केक है वो भी ठंडा हो चुका है और ये जो गनाश हमने तैयार किया है वो भी ठंडा हो चुका है, तो उसको केक के ऊपर हम लगा लेंगे। पूरी केक हम इसी गनाश से कवर कर लेंगे, तो अच्छी तरह से आप कवर कर लीजिए केक को। पूरा गनाश हम केक के ऊपर कवर कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फिर से 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आप केक को कवर कर लीजिए गनाश से। तो बची हुई व्हीप क्रीम में हमने 2 बड़े चम्मच चॉकलेट गनाश ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे
और इसको फिर से हम 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे और इसी से ही हम फ्लावर बनाएंगे। तो दूसरी तरफ हम बिना नोज़ल के फ्लावर तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पाइपिंग बैग की मदद से ही डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो आप एक पाइपिंग बैग ले लीजिए और उसको आगे से थोड़ा सा क्रॉस राउंड कट कर लीजिए, जैसे वीडियो में बताया है कि आगे से थोड़ा क्रॉस बट यहाँ से थोड़ा सा राउंड कट लिया है, तो बस इसी तरह से आप कट कर लीजिए और इसमें व्हिप क्रीम को फिल कर दीजिए। बस हम फ्लावर इसी से ही तैयार करेंगे। तो फ्लावर डिज़ाइन तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें केक नेल की ज़रूरत होती है, बट हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, तो आप एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए या इस तरह से एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए और उसके ऊपर हमें क्रीम की मदद से छोटा सा पहाड़ बनाना है जिसके ऊपर हम फ्लावर तैयार करेंगे। तो ये एक फ्लावर का बेस है, तैयार कर लीजिए इस तरह से। और आप जिस तरह से वीडियो में देख रहे हो कि मैंने कैसे पेटल तैयार की है, बस एक तरफ से आपको केक क्रीम है उसको लेना है, दूसरी तरफ इसको छोड़ देना है। तो बस आप वीडियो में बता रही हूँ उस तरह से ही आप पेटल्स बनाते जाइए, तो एक अच्छा सा आपका फूल बन जाएगा। कई बार क्या होता है, हम पूरे केक टूल्स खरीद लेते हैं बट हम इसका फिर से यूज़ नहीं करते हैं, तो वो हमारे पैसे थोड़े बर्बाद हो जाते हैं। तो हम इसी तरह से पाइपिंग बैग की मदद से बहुत कम खर्चे में हम केक तैयार कर सकते हैं, बिना नोज़ल के भी हम फ्लावर तैयार कर सकते हैं और बिना कोई भी केक टूल्स के भी हम केक को डेकोर कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से फ्लावर डिज़ाइन तैयार कर लीजिए और हम इतना अच्छा फ्लावर बनता है कि आपकी केक बहुत सुंदर लगेगी। अगर आप चाहे तो इससे छोटा सा भी फूल बना सकते हो, आपको जितना बड़ा जितना छोटा फूल चाहिए उस तरह का फूल आप इस पाइपिंग बैग से तैयार कर सकते हो। तो देख सकते हो कितना बढ़िया सा ये फूल लग रहा है और केक के ऊपर रखने के बाद तो केक और भी अच्छी लगेगी। तो बस आप इसी तरह से वीडियो में बताए उसी तरह से फ्लावर तैयार कर लीजिए। आप चाहो तो थोड़ा सा फूल छोटा भी बना सकते हो इससे। तो चलिए हमारा फूल भी रेडी है, तो इसको हम कैंची की मदद से नीचे से पकड़ के इस तरह से स्पून की मदद से केक के ऊपर रख देंगे। तो बढ़िया सा ये फूल तैयार हो चुका है और केक के ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए केक को थोड़ा सा और सजाते हैं। इसके लिए मैंने वाइट चॉकलेट चिप्स ली है जिसको मैं केक के जो किनारे हैं उसके ऊपर लगा लूँगी और केक के ऊपर थोड़े से जो गोल्डन शुगर बॉल्स आते हैं उसको मैंने स्प्रिंकल कर लिया इस तरह से थोड़े थोड़ी जगह छोड़ के। और जो हमने फ्लावर तैयार किया था उसके बीच में भी मैंने चॉकलेट स्प्रिंकल आते हैं वो लगा लिए। तो बढ़िया सा हमारा केक तैयार हो चुका है। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।